आगे भी और सजाएंगे। इधर ये पकोड़े बन चुके हैं, बच्चे खा भी रहे हैं, और इधर बन गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज है दिवाली, हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की। तो अभी हमारा सारा काम हो गया, मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद आपको आज पूरे दिन का ब्लॉग दिखाऊंगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड यहाँ पे तो मैं आ गई हूँ, काम तो सारा हो गया, मैंने सुबह भी बताया था। तो अभी आई हूँ बाहर से, दो एक सामान लेके शाम की पूजा का। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, अभी तो फटाफट मैं सब्जी रोटी बना रही हूँ के लिए, शाम को जो बनाऊँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी जरूर। अभी तो ये लेके मसाले वाले आलू जो मैं बना रही हूँ अभी, इसकी सब्जी, बाकी चीज़ बनाऊँगी साथ, और जो तैयारी करूँगी वो आपको जरूर दिखाऊँगी। तो फटाफट मैं खाना बना रही थी, बहुत लेट हो रहा है। फ्रेंड मैं रेडी तो हो गई हूँ, अभी कपड़े चेंज करना बाकी रह गया, इससे पहले मैं किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े चेंज करूँगी। और पूजा की तैयारी में भी हेल्प कर रहे हैं मेरी, ये दिए धो के रख दिए इधर, और बाकी चीज़ लेके आएंगे, अभी मंदिर में पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और इधर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, ये बेसन को मैंने घोल के रख लिया है, ये मूंग की दाल के पकौड़े बना रही हूँ, ये पनीर और गोभी को थोड़ा बॉयल कर लिया मैंने नमक डाल के, और ये चाय बन रही है इधर। इधर मैंने चटनी बना ली है, और ये मेरा तेल गर्म हो रहा है, मैं पकौड़े बनाने जा रही हूँ। कि त्यौहार पे जब तक कढ़ाई नहीं चढ़ती है तो त्यौहार सा नहीं लगता, इसलिए बनाने बहुत ज़रूरी हैं, और बच्चे भी पकौड़े ही ज़्यादा खुश होकर खाते हैं, इसलिए मैं बना रही हूँ। बाकी आगे की तैयारी मैं दिखाती हूँ आपको भी। आ जाओ इधर दिव्यांश, पता नहीं बच्चे बाहर खेल रहे हैं। यहाँ तैयारी हो रही है पूजा की, यहाँ खाने की, ये देखिए मूंग की दाल के पकौड़े बन रहे हैं। फ्रेंड आप लोग आइए, हैप्पी दिवाली आप सबको। कांगे शन गुलशन से सानू तैयार, अभी तैयार होना, रुक जा। रे सरकारिया मंदिर तो सजा दिया है, और आगे भी और सजाएंगे। इधर ये पकोड़े बन चुके हैं, बच्चे खा भी रहे हैं, और इधर बन रहे हैं अभी। तो फ्रेंड मैं हो गई हूँ रेडी पूजा करने के लिए, और अब चल रहे हैं पूजा की तैयारी करने के लिए, शाम से तैयारी चल रही है। बाकी इन्होंने कर दी, जो रह गई है वो मैं करती हूँ अभी। तो पूजा करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। अभी गर्मी में किचन में काम कर रही थी तो पसीने भी आ रहे हैं, जल्दी रेडी होगी मैं। पूजा की तैयारी कर रहे हैं, फिर पूजा करेंगे, पूजा करेंगे तो दिखाएंगे। मम्मी पूजा कर रही है, फूल तो पूजा हो गई है फ्रेंड हमारी दिवाली की। तो अब दिखाते हैं आगे, ये देखिए मैंने दिखाया था, ये मैंने फूलों की रंगोली बनाई है, ये देखिए। तो अब पटाखे फोड़ेंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं मम्मी के यहाँ पर दिवाली विश करने के लिए, और पटाखे भी हम वहीं जलाएंगे, यहाँ पर नहीं। मार्केट पूरी खाली पड़ी है, पूरी मार्केट सूखी हुई है, शानी तारा तो मुश्किल आप। तो मम्मी के घर आ गए, ये वाली गली है मम्मी की, ये जा रहे बच्चे। शानू ने नहीं बोली, आ गए मम्मी के यहाँ पर। हो गई पूजा, हैप्पी दिवाली लड्डू, हैप्पी दिवाली लड्डू। आजा, क्या पहन रखा है तूने, दिखा तो सही, तुझे दिवाली से मतलब। अपने आप उतर जाएगा बेड पे से, जाएगा। वाओ लड्डू, नहीं
मम्मी जी ने मुझे सब्जी बनाई अपने आइडिया से। क्या नई तरीके कह रहा है? वो भैया को बुला रहा है। सब लोग पटाखे आ रहे हैं और इधर ये बच्चे भी शान होते गए। वाओ ये शान खूब जला रहा है। अब कम छूटेगा। दरवाजे में खड़ी हो, कितना डर लग रहा है मेरे को तो पटाखे से। इतने मोटे मोटे बम फोड़ रहे हैं ना ये दोनों। क्या खड़े हैं तो मत डाल दिया। बम फोड़ेंगे और मेरा पूछा ये देखो कितने बम लेके आया है। वीडियो बनाएंगे। बम फोड़ रहा है मजा आ रहा है। मेरा लड्डू खड़ा है। मोटा बम फोड़ रहा है। कितने मोटे मोटे बम फोड़ रहा है। हाँ मुंह में लेके फोड़। हाँ
दो। बाय। आप सब कैसे, आप सबकी दिवाली कैसी बनी हो? पर बहुत अच्छी बनी होगी, हमारी भी अच्छी बनी थी। तो रात इतना बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, इस ब्लॉग को मैं बंद कर सकती हूँ। इस ब्लॉग को बंद करने का सुबह टाइम मिला है, रात 1:30 बज गया था, बहुत ज्यादा रात हो गई थी, तो इसलिए मैंने बंद नहीं करा था। और इस दिवाली के ब्लॉग में आपको बहुत मजा आएगा, आप लोग इसको जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। और डांस भी देखने को मिलेगा, लड्डू ने बहुत डांस किया था। तो एक नई न्यू नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी। तभी के लिए बाय बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।